इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। साथियों, पिछले 8 महीने में जब से इस प्रदेश में भाजपा की जनता की सरकार बनी, लोगों को बहुत उम्मीद थी। लोग ये मान करके चलते थे कि जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया है, वो 100% सरकार के सामने वो सारी शर्तें रखेंगे जो लोगों से वायदा कर दिया है। अगर ये 10 MLA मेरे पास होते और अगर मैं किसी की सरकार बनवाता तो मैं फिर मुख्यमंत्री का पद नहीं लेता। मैं पहले शर्त इस बात की रखता कि हमने जो लोगों से वायदे किए, जो दीवारों पे लिखवाए, अगर आप उन वायदों को पूरा करोगे तो फिर हमारी पार्टी आपको समर्थन देगी। लेकिन यहां तो ऐसे लोग थे जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी गिरवी रख दिया। केवल उनका दाव कैसे लगे, वो कैसे सत्ता में आए, केवल सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए लाखों लोगों से किए हुए वायदे, लाखों लोगों ने जिन लोगों ने उन पे विश्वास करके उनको वोट दिया, जहां उनके साथ विश्वासघात किया, वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी उन्होंने कमजोर करने का काम किया। वायदा करते थे 5100 दिलवा देंगे, वायदा करते थे किसान का कर्जा माफ कर देंगे, वायदा करते थे गरीब की बेटी को 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में दे देंगे। जब सरकार को बड़े 8 महीने हुए, इसमें एक लॉकडाउन आ गया, एक ऐसी बीमारी हमारे बीच में आ गई जिसने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से मिलकर के आया, मैं बड़ा खुल करके पूछ करके आया था कि क्या सरकार की तरफ से आपके गांव में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार की तरफ से उन्हें कोई राशन मुहैया कराया गया? कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि सरकार की तरफ से हमें कोई राशन दिया गया। सरसा जिला के तो गांव गांव की मेरे पास जानकारी है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में सरसा में ज्यादा रहा। किसी एक गांव के अंदर भी सरकार की तरफ से 1 किलो अनाज भी सरकार की तरफ से किसी गरीब को नहीं दिया गया, या दिया गया किसी गांव में? आहिस्ता बोल रहे हो, कोई नहीं दिया गया। यहाँ तो अगर सरसा शहर के अंदर कोई गरीबों में राशन बांट रहा था, या तो राहुल सेतिया जी बांट रहे थे, उनका बेटा गोकुल सेतिया बांट रहा था, या फिर राजकुमार शर्मा राजू जो है वो राशन बांट रहा था, या कहीं गोपाल कांडा जो है उसके लोग कई लोगों का पेट भरने का काम कर रहे थे, या फिर शहर की सामाजिक संस्थाएं जो थी वो राशन वितरित करने का काम कर रही थी। सरकार की तरफ से शहर में किसी को 1 किलो दाना भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री तो कहता है नवंबर तक देंगे, हरियाणा वाले तो अब तक का जितना राशन है सारा का सारा राशन कागजों में खा गए। ये डिपार्टमेंट किसी और के पास नहीं है, ये डिपार्टमेंट भी हमारे वाले के पास है। फूड एंड सप्लाई उसने इसीलिए लिया था, उसको पहले से पता था कि कोरोना आएगी और उस कोरोना में कमाई करूंगा, और कमाई भी ऐसी करूंगा गरीब आदमी भूखा मरेगा और मेरी जेब भरी जाएगी। ना केवल राशन डकार गया, बल्कि साथियों इस लॉकडाउन के अंदर जो शराब के गोदाम थे जिन पे एक्साइज डिपार्टमेंट की सील लगी हुई थी,
क्योंकि शराब का पुराना धंधा है। मैंने जब कहा था लॉकडाउन के दौरान जब शराब की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आपसे ज्यादा चिंता हमारे इस दुष्यंत को है दुकान खुलवाने की। मुख्यमंत्री ने पूछ लिया कि इनको क्यों ज्यादा जल्दी है। मैं बोले हमारे रिश्तेदार चौधरी भीम जी जो है उन्होंने ठेके ले रखे हैं सारे प्रदेश में, अगर उनकी दारू नहीं बिकेगी तो फिर इनके सामने मुश्किल आ जाएगी। साथियों ठेके नहीं खुल सके, ठेके खोलने के प्रयास किए गए, लेकिन हमने जो विरोध किया कि अगर ठेके खोल दोगे तो महामारी बढ़ जाएगी, इसलिए ठेके नहीं खुले। जिन गोदामों के अंदर दारू सील करके रखी थी उन गोदामों की दीवार पीछे से तोड़ करके दारू निकाल करके एक माफिया खड़ा करके पूरे प्रदेश के अंदर दो नंबर में शराब बेचने का काम किया। 100 रुपए वाली बोतल जो है 400-400 में बेची कि नहीं बेची? 400 में बिकी ज्यादा में, कोई 500 बता रहा है, कोई 600 बता रहा है, सबने खरीदी है। कितना बता रही है कि जिन लोगों को सामाजिक संगठन के लोगों ने खाना खिलाया, इन फूड एंड सप्लाई वालों ने, तो उनके भी फर्जी बिल बना करके उस गरीब का पैसा भी नकारने का काम किया। आज उनके असली चेहरे उजागर हो चुके हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो लगातार ऊंचाई की तरफ जा रही है। आज हर रोज सैकड़ों टेलीफोन मेरे पास आते हैं, सैकड़ों लोग मुझे कहते हैं मुझे अपने गांव का कार्यक्रम दे, हमारा सालम गांव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। आज मुझे अनेक जगह नेताओं के फोन आते हैं कि अमर आप आपस में मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बढ़ाना चाहेंगे। आज रोजाना हजारों की संख्या में लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज आपका सितारा तो फिर बुलंद हो रहा है। जो मजाक उड़ा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी गर्दिश में चली जाएगी, आज उनके होश उड़े हुए हैं। आज वो पार्टियां गर्दिश में जा रही है कि नहीं जा रही है? ऐसे ऐसे कमेंट उनके लिए लिखे जाते हैं कि जो चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं वो जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है उसके बारे में आज किस किस्म की भाषा आज उन्हीं के साथ पहले से जुड़े हुए लोगों ने लिखनी शुरू कर दी है। कोई खोपर कहता है, तुम जानते हो खोपर क्या होता है? हमारे यहां खोखर गांव तो है लेकिन खोपर कभी नहीं सुना था। खोपर किसी और को नहीं कहते, किसको कहते हैं खोपर बताओ? नाम बताओ उसका जिसको खोपर कहते हैं। उसके लिए खोपर लिखते हैं, खोपर कहते हैं। जो खोपर कहने वाला है उसके लिए वो लोग अखबार में टेलीविजन में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमारा दादा है, हम बना लेंगे। गौतम तो अब भी दादा है, अब भी गौतम को बनाने की बात करते हैं। और जो असली दादा है जिसकी वजह से इनकी पहचान बनी, उस दादा की जात भी नहीं पूछनी, इसीलिए खोपर बने हैं। कोई खोपर कहता है, कोई कहता है खोदा ही की में नहीं है, कहते कि नहीं कहते? कहीं तो यहां तक भी कहते हैं कि एक लाई जिम गया सारा माल। ज्यादा दिन दूर नहीं है, मान करके चलो ये जो पैसे की भूख इन लोगों को है ये इनके घर में भी विवाद खड़ा करने का काम करेंगे। साथियों आप चाहते हो ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों का डंका बजे, तो फिर 3 दिन का समय जरूर निकालना। निकाल दोगे? यही बात करने आया था, आपने मेरी बात सुनी,